लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की ओर से पासवान स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम का दरभंगा के आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम में हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का किया गया भव्य स्वागत। वहीं पासवान स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। चिराग पासवान ने अपने संबोधन भाषण में बोलते हुए कहा कि एक एक पासवान समाज के व्यक्ति ने मुझे सही में अपना बेटा माना, मुझे अपना भाई माना। जो प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, आप लोगों की बदौलत ही आज चिराग पासवान जिंदा है। चिराग पासवान ने कहा कि चिराग पासवान तो उसी पार्टी से है जिस पार्टी को 23 साल पहले मेरे पिता रामविलास पासवान ने खून पसीने से सींचा था। इस पार्टी से यानी हमारे ही पार्टी से हमें निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। यह सोचकर फेंक दिया गया कि चिराग पासवान टूट जाएगा, लेकिन नहीं टूटा चिराग पासवान। कहा, न टूटने वाला हूँ न मैं झुकने वाला हूँ, जब तक अपने नेता के सपनों को पूरा ना करूँ और जब तक बिहार को विकसित राज्य न बना दूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मेरे नेता मेरे पिता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से समझौता करके, अपने विचारों से समझौता करके जिनके खिलाफ चुनाव लड़के आते हैं और उन्हीं से समझौता करते हैं ताकि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें। भैया, ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ, और डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ। सर पे कफन बांध के निकला हूँ कि जब तक अपने नेता के सपनों को पूरा ना करूँ, जब तक बिहार को विकसित राज्य ना बना, जब तक अपने समाज को आगे लेकर ना जाऊं, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। और ये वादा आजाद होगा। साथियों, राजनीति में किसी लालच किसी लोभ से नहीं आया। जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान को सत्ता का मोह होगा, सत्ता का लालच होगा, सत्ता को ठुकराने वालों का खून मेरी रगों में, मेरे नेता मेरे पिता ने कितने लोगों में इतनी हिम्मत है बताए मुझे। आज की तारीख है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता के लालच में बार बार अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं, अपने विचारों से समझौता करते हैं, जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर आते हैं उन्हीं से समझौता करते हैं ताकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। पर वहीं मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है, एक ऐसे पिता का खून है जिन्होंने 2005 सिर्फ अपने विचारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने सत्ता को लात मारने का काम किया, पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं। मेरे लिए भी रास्ता बहुत आसान था भाई। 2020 में अगर हम भी जाते तो आराम से सत्ता की कुर्सी पर हम जाकर बैठ सकते थे। मेरे पिता का निधन हुआ था जब बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे, उन विधानसभा के चुनाव में हम भी समझौता कर लेते मुख्यमंत्री जी के सामने। बहुत आसान था। क्या करना था भैया, हमको जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होना था और उनकी गलत नीतियों से समझौता करना था। आग बूंदना था हमको कि भैया बिहारी बिहार से बाहर जाए, पलायन बढ़ता जाए, बिहार में शिक्षा रोजगार सब चौपट हो जाए, पर हम आग बूंद लेते तो आज हम भी केंद्र सरकार में मंत्री होते और बिहार सरकार में हमारे 4 मंत्री यहाँ पर होते। पर अगर हम ये समझौता कर लेते तो उम्र भर कभी भी अपने पिता की तस्वीर पर श्रद्धांजलि नहीं दे पाते, उनसे कभी नजर नहीं मिला पाते अगर हम ये समझौता करें। और आज भी सब वही, एक के बाद एक हर संभव प्रयास किया गया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त कर दिया गया। पर इसमें चिराग पासवान का कसूर क्या? कई बार ये सवाल मैंने पूछा कि क्यों, क्या गलती थी भैया चिराग पासवान की? सिर्फ इतनी ही गलती ना कि चिराग पासवान बिहार के बारे में सोचता है, बिहारियों के बारे में सोचता है, बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान के बारे में सोचता है, बिहार के युवाओं की चिंता करता है। यही कसूर है चिराग पासवान का कि चिराग पासवान चाहता है कि बिहार में ही युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर रोजगार के अवसर मिले, बिहार के बच्चों के लिए यहीं पे अधिक से अधिक शैक्षिक संस्थान खुले, बुजुर्गों महिलाओं को इलाज के लिए दिल्ली मुंबई तक न जाना पड़े, यहाँ पे ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं बने, यही कसूर था हमारा। बिहार के किसानों के बारे में सोचना हमारा कसूर बन गया।
मजदूरों के अधिकारों की बात करना हमारा कसूर बन गया। तो परिवार से निकाल देंगे तो चिराग पासवान टूट जाएगा, पर आप लोगों के आशीर्वाद से नहीं टूटा। उसके बाद शक्ल ने रचा गया कि चिराग पासवान को उसी की पार्टी से, जिस पार्टी को आज से 23 साल पहले मेरे नेता मेरे पिता ने अपने खून पसीने से सींचा, उसी पार्टी से, हमारी ही पार्टी से हमको निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा, पर नहीं टूटा चिराग। फिर षड्यंत्र रचा जाता है कि इसको इसके घर से निकाल। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी नानी जो कि आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनके साथ महज 3 घंटे के भीतर हमको सड़क पर फेंक दिया हमारे समाज के साथ। ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा, पर तब भी नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, जाने के बाद आप सब ने एक एक पासवान समाज के व्यक्ति मुझे सही में अपना बेटा मान लो, अपना भाई मान लो। जो प्यार और जो आशीर्वाद आपने दिया है, आप लोगों की बदौलत ही आज चिराग पासवान जिंदा है और आप लोगों